तो गाइस कल था वीवो प्रो कबड्डी का ऑल स्टार्स मैच इंडिया 7 वर्सेस वर्ल्ड 7, जहां पर इंडिया 7 एक बार फिर हार गई। लगातार दो इंटरनेशनल मैच अब इंडिया हार चुकी है। तो गाइस इसके बाद बहुत लोग बोलने लगे, मतलब अपना अपना ओपिनियन देने लगे कि इसलिए इंडिया हारी है, इसलिए हारी है। तो मैंने आज अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया कि क्या मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आप में से 75% लोगों ने बोला कि हाँ बनाओ, 25% लोगों ने बोला कि नहीं अब रहने दो। तो गाइस ये वीडियो आप सबको देखना है। जिन 75% लोगों ने बोला था कि वीडियो बनाओ, उनके लिए तो ये वीडियो होगा ही, और जिन लोगों ने ना बोला था वो भी इस वीडियो को देखे, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस कल जब इंडिया टीम हार गई तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया इस चैनल पे। तो उस वीडियो में बहुत लोग बोलने लगे कि ये मैच स्क्रिप्टेड था, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ये प्रमोशन वाला मैच होने वाला है जहां पर प्रो कबड्डी का पूरा प्रमोशन होगा, और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। हर 5 सेकंड में 2-3 बार तो प्रो कबड्डी का प्रमोशन हो ही जा रहा था। अगर पॉन रेड पे आते थे तो ऐसा बोला जा रहा था कि यहां पर बेंगलुरु बुल्स के पवन कुमार सहरावत आ चुके हैं। प्लेयर का सीधा नाम भी नहीं लिया जाता था, पहले उसकी टीम का नाम लिया जाता था कल के मैच में। तो गाइज उसको देखते हुए बहुत लोगों ने बोला कि ये मैच स्क्रिप्टेड था। मैंने आपको बोला था कि ये मैच प्रमोशन वाला होगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला था कि ये मैच स्क्रिप्टेड होगा। तो बिल्कुल ये मैच स्क्रिप्टेड नहीं था गाइज, ऐसा मत सोचो कि ये मैच फिक्स था या फिर स्क्रिप्टेड था। कबड्डी मैचेस स्क्रिप्टेड नहीं होते और स्क्रिप्टेड होंगे भी क्यों, क्योंकि सबको पता है ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। वर्ल्ड बेस्ट 7 वर्सेज प्रो कबड्डी के बेस्ट 7, मतलब इंडियन बेस्ट 7 के बीच मैच है। फजलत रचाली दूसरी टीम में है तो इस टीम में अजय ठाकुर है, उधर अबुजर है तो इधर प्रदीप है, तो ऑब्वियसली मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ही, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1 पॉइंट से सिर्फ वर्ल्ड 7 टीम जीती। तो इसीलिए यार ऐसा मत बोलो कि मैच फिक्स था, ये मैं आप सबको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने बोला कि आप ये वीडियो को, मतलब आप सब लोग इस वीडियो को देखे हो। अब हम बात करते हैं उन 3 रीजंस के बारे में जिसके कारण इंडिया इस मैच को हारी। तो पहला मुझे जो रीज़न लगता है वो था बैड सेलेक्शन। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको जगह नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक जो प्लेयर है रोहित कुमार, उनका तो मतलब मेरे हिसाब से जगह इस टीम में पक्का बनता है गाइज। अगर यहाँ पर मनिंदर सिंह का जगह बनता है, विकास खंडोला का जगह बनता है, तो उनका भी जगह बनता है, और इस टीम में मैच्योर प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज लीड में थी इंडिया पूरे मैच में और उसके बाद वो हारे हैं। एक ही मुझे इस टीम में मैच्योर प्लेयर लगते हैं, अजय ठाकुर, जो अभी के स्क्वाड में थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। सुजीत सिंह एक्सपीरियंस जरूर है, रविंदर पहल एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन उनके पास वो मैच्योरिटी नहीं है। वो गाइज आप देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं मैच के अंदर, एडवांस टैकल के जाते हैं, लेकिन अगर आप रोहित को खिलाओ तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत ही मैच्योर प्लेयर है मेरे हिसाब से, और वो बहुत ही अच्छा कर सकते थे टीम के लिए। फ्यूचर में अगर जब अजय कबड्डी से रिटायरमेंट लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है रोहित को ही इस टीम का कैप्टन बनाया जाएगा, और बहुत अच्छे कैप्टन बन सकते हैं। तो उनका जगह इस टीम में पक्का बनता है, ऐसा मेरे को लगता है। और गाइज एक और प्लेयर है सुरेंद्र नाडा, जिनका भी जगह पक्का बनता है। अगर आप मेरे से पूछो कि बेस्ट लेफ्ट कॉर्नर कौन है, तो मैं बोलूँगा सुरेंद्र नाडा। और फजल तो नहीं खेल सकते बिकॉज वो वर्ल्ड 7 टीम में थे, तो इसलिए यहाँ पर सुरेंद्र नाडा का जगह पक्का बनता था। और अगर विकास खंडोला का जगह बनता है, तब यार राहुल फैंस ये बोल रहे हैं कि राहुल चौधरी का जगह क्यों नहीं बनता, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर विकास खंडोला का जगह बनता है इस टीम में, उन्होंने 2 सीज़न सिर्फ अच्छा किया है, जबकि राहुल ने पूरे 6 सीज़न अच्छे किए हैं। भले ही थोड़ा डाउनफॉल गया है, लेकिन राहुल ने 6 सीज़न बहुत अच्छा खेला है। विकास भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर विकास का जगह बनता है तो फिर राहुल का भी जगह बनना चाहिए। और गाइज मेरे हिसाब से परवेश बैंसवाल भी डिजर्व करते थे, जिनको जगह नहीं दिया गया। तो मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था, और ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था इंडिया के हारने का। वहीं पर बात करें सेकंड रीज़न के बारे में, तो सेकंड रीज़न था प्लेयर्स का मिसयूज्ड। गाइज अगर आप, मतलब अगर कोच को प्रदीप नरवाल और सुनील को खिलाना नहीं था तो फिर उनको टीम में सेलेक्ट ही क्यों किया। प्रदीप नरवाल ने एक भी रेड नहीं किया जहां पे उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। प्रदीप किस लिए जाने जाते हैं, लीड को बहुत बड़ा करने के लिए या फिर मैच पलटने के लिए। तो मैच ऐसा कोई इंडिया के हाथ से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं गया था, लेकिन लीड हमें बड़ा करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और उसमें प्रदीप माहिर है। तो मतलब कोच ने प्रदीप को मैट पे भी नहीं लाया खेलने के लिए, एक भी रेड उनसे नहीं कराया, मैट पे लाया ही नहीं। और उसके अलावा जब इंडिया का टीम डिफेंस जब पॉइंट लीक कर रहा था तो उन्होंने सुनील को भी नहीं लाया। तो मुझे बिल्कुल
कोचिंग समझ में नहीं आई, और उसके अलावा अगर हम देखें तो उन दोनों को छोड़ भी देते हैं, तो यार दीपक निवास हुड्डा से क्या करा रहे थे मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीपक निवास हुड्डा कर क्या रहे थे, उन्होंने दो रेड सिर्फ किया, एक अनसक्सेसफुल और एक एम्प्टी, डिफेंस में उन्होंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उन्होंने पूरा मैच खेला, मतलब लगभग पूरा मैच खेला, जबकि विकास कंडोला सिर्फ एक रेड किया उन्होंने एम्प्टी, तो उनको कोच ने बाहर बुला लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मनिंदर सिंह भी अच्छा खेल रहे थे, उनको बाहर बुला लिया, लेकिन दीपक निवास हुड्डा को उन्होंने बाहर नहीं बुलाया। तो ये यार मेरे बस से बाहर का है कि कोच कर क्या रहे थे, और मेरे हिसाब से प्लेयर का मिसयूज़ करना ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इंडिया के हारने का। बात करें थर्ड एंड लास्ट रीज़न के बारे में, तो वो है फजल एंड कंपनी का अच्छा खेलना। फजल अतरचली ने कमाल का खेला, जैन कुल्ली ने कमाल का खेला, और नबी बख्श ने कमाल का खेला, होल टीम ने अच्छा खेला, और मेरे हिसाब से इसीलिए वर्ल्ड सेवन इस मैच को जीत गई। गाइज ऐसा मैच में कभी भी नहीं आया था कि वर्ल्ड सेवन बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी, मैच हमेशा मतलब एक साथ ही चल रहा था, दोनों टीमों के बीच 4-5 पॉइंट का डिफरेंस था, 2-1 पॉइंट ऐसा ही डिफरेंस रह रहा था, लेकिन लास्ट में वर्ल्ड सेवन आगे निकल गई और इस मैच को जीत गई। मेरे हिसाब से वर्ल्ड सेवन ने बहुत अच्छा करा इंडिया टीम के खिलाफ और बता दिया कि हमें हल्के में मत लेना। तो मेरे हिसाब से जो थर्ड रीज़न था वो था वर्ल्ड सेवन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलना। तो गाइज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपके हिसाब से इन तीनों रीजंस में से सबसे बड़ा रीज़न कौन था इंडिया के हारने का, और अगर आपको कोई और भी रीज़न लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताना। और बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।